मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेसन सेकेंड एडाप्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी जानवरों और पौधों में अनुकूलन कैसे होता है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जानवर निवास करते हैं। सम आर फाउंड ऑन द अर्थ, उनमें से कुछ जानवर अर्थ यानी कि जमीन पर रहते हैं, जैसे लायन, बुफैलो, गोट, कैट, हॉर्स आदि। ये सभी जानवर लैंड पर रहते हैं यानी जमीन पर रहते हैं। तो ऐसे जानवर जो जमीन पर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी स्थलीय जानवर। सम एनिमल्स आर फाउंड इन वाटर, उनमें से कुछ जानवर पानी में रहते हैं। दे आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल, ऐसे जानवरों को एक्वाटिक एनिमल कहा जाता है, जलीय जानवर कहा जाता है। एज फिश, जैसे फिश, क्रैब, डक, व्हेल इटीसी। सम एनिमल्स आर फाउंड ऑन लैंड एंड इन वाटर बोथ, कुछ जानवर ऐसे हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों ही जगह रहते हैं। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, ऐसे जानवरों को एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस मीन्स होता है उभयचर। एज फ्रॉग, जैसे फ्रॉग, टोड्स, टर्टल आदि। सम एनिमल्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, कुछ जानवर स्काई यानी आसमान में उड़ते हैं। दे आर कॉल्ड एरियल एनिमल, ऐसे जानवरों को एरियल एनिमल कहा जाता है। एरियल मीन्स होता है वायवीय एनिमल, जानवर वायवीय जानवर, जैसे ईगल, क्रोज, पीजन्स इटीसी। इसमें विभिन्न प्रकार के आपके बर्ड्स आ जाएंगे, पक्षियां आ जाएंगी जो हवा में उड़ती हैं, वो सभी के सभी एरियल एनिमल हैं। मोस्टली प्लांट आर फाउंड ऑन अर्थ, मोस्टली प्लांट जो है वो जमीन पर ग्रो करता है, जैसे मैंगो, नीम, जामुन, जैकफ्रूट इटिस्ट्रा आदि पौधे जमीन पर ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स आर फाउंड इन वाटर आल्सो, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो पानी में भी ग्रो करते हैं, जैसे लोटस, लीली, यासिंथ, डकवीड, उल्फिया एंड पिशिया इटिस यानी आदि। और भी ढेर सारे पौधे हैं जो पानी में ग्रो करते हैं। राइट नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अकॉर्डिंग टू टेबल इन सराउंडिंग, यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है। इस टेबल में दिया है पहला टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वाटिक एनिमल, एम्फीबियंस एनिमल, एरियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल यानी जो स्थल पर रहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं, ऐसे जानवरों के नाम आपको लिखने हैं। एक्वाटिक एनिमल यानी जो पानी में रहते हैं, ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं। एम्फीबियंस एनिमल यानी कि जो जमीन पर रहते हैं, ऐसे जानवरों के आपके नाम लिखने हैं। एरियल यानी जो हवा में उड़ते हैं, ऐसे जानवरों के आपके नाम लिखने हैं। तो टोटल आपको यह 5 दिया है, लेकिन आप लोग कुल 10 लिखेंगे। 10 टेरेस्ट्रियल एनिमल के नाम लिखेंगे, 10 एक्वाटिक एनिमल के नेम लिखेंगे, 10 एम्फीबियन एनिमल के नेम लिखेंगे, 10 एरियल एनिमल के नेम लिखेंगे, ठीक है ना। मिलियंस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, मोस्ट ऑफ देम हैव एडजस्टेड वेल टू वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन, बट मेनी ऑफ देम कुड नॉट एडजस्ट एंड डाइड। पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव जंतु मौजूद हैं, उनमें से अधिकांश ने विभिन्न जलवायु परिस्थिति में अच्छी तरह समायोजित किया है, लेकिन उनमें से कई जानवर ऐसे हैं जो अपने आप को समायोजित नहीं कर सके और वे क्या हो गए? मर गए। जैसे डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए, जैसे मछली को पानी से बाहर निकालने पर वे मर जाएगी, ऐसा उनके इन्वायरमेंट को एडजस्ट करने के कारण होता है। आगे आते हैं एडाप्टेशन। एडाप्टेशन मीन्स होता है अनुकूलन। द एबिलिटी ऑफ ए ऑर्गेनिजम्स टू एडजस्ट टू ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट सराउंडिंग इज कॉल्ड एडाप्टेशन। ये आपके एडाप्टेशन की डिफिनीशन है। यहाँ से यहाँ तक इसका मीनिंग है किसी विशेष वातावरण को समायोजित करने के लिए जीव की क्षमता को अनुकूलन कहा जाता है, एडाप्टेशन कहा जाता है। तो एडाप्टेशन इन एनिमल्स, पहले हम लोग देखते हैं कि जानवरों में कैसे अनुकूलन होता है।
एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू देयर हैबिटेट, जानवरों के उनके हैबिटेट यानी कि आवास के आधार पर हम एडाप्टेशन के बारे में पहले पढ़ेंगे। पहला है टेरेस्ट्रियल एनिमल, पहले हम लोग बात कर चुके हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब स्थलीय जानवर। एनिमल्स दैट लाइव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल, ऐसे जानवर जो जमीन पर रहते हैं ऐसे जानवरों को टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं, जैसे लायन, एलिफेंट, कैमल, काउ एटीसी, इनके एग्जाम्पल हैं। जैसे लायन, एलिफेंट, कैमल, काउ और भी अन्य जानवर हैं जो जमीन पर रहते हैं, ऐसे जानवरों को टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। फीचर ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, अब इनके कुछ फीचर्स भी हैं यानी इनके कुछ विशेषताएं भी हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल की, जिसके कारण ये जमीन पर रह लेते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव लॉन्ग लेग फॉर देयर मूवमेंट, टेरेस्ट्रियल एनिमल के पास उनके मूवमेंट के लिए चलने के लिए लंबे लंबे पैर होते हैं। दूसरा है दे हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए उनमें लंग्स होता है यानी फेफड़ा होता है जिससे वो सांस लेते हैं। दे हैव ए वेल डेवलप नर्वस सिस्टम, उनके पास वेल डेवलप नर्वस सिस्टम होता है जिससे वो महसूस करते हैं। दे हैव स्पेशल फीचर्स टू एडजस्ट टू वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन, उनके पास स्पेशल फीचर होता है जिसके कारण वे विभिन्न जलवायु कंडीशन को क्या करते हैं, अपने आप को उसमें एडजस्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन जिसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है शुरू से यहाँ अंत तक अंडरलाइन किया हुआ है उनका आपको वर्ड मीनिंग लिखना है। और जो टेबल में मैंने दिया था टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वाटिक एनिमल, ये चीज़ आपको 10-10 सभी के लिखने हैं। इसमें क्या क्या आपको करना है, पहले तो इस लेसन को पूरा आपको ध्यान से वीडियो देख करके समझना है, ठीक है। समझने के बाद आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे, जितने भी हमने अंडरलाइन किया है ये सब अंडरलाइन किया है इनका आप मीनिंग लिखेंगे। फिर उसके बाद ये टेबल बना करके आप सबका 10-10 नाम लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों, और इसको याद भी करेंगे, ठीक है। बस इस वीडियो में यहीं तक।